क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि नाना पाटोले का जो बयान सामने आ रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जासूसी हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जो लड़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा सीटें 2024 में कांग्रेस की आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राव जी। संजय जी, जासूसी कौन करवा रहा है? नाना पाटोले साहब कह रहे हैं कि जासूसी हो रही है उनका, लेकिन उसने अपना बयान पीछे लिया है। मैं देख रहा था, नाना कहा कि मैं एक कोई अलग बात बोलने जा रहा था, उसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला है। देखिए, जासूसी की बात नहीं है, कोई अति विशिष्ट व्यक्ति होती है, अगर उनको एक विशिष्ट स्टेटस मिलता है सिक्योरिटी का, उसके बारे में सरकार हमेशा जानकारी लेते हैं, हमारी भी लेती है, मंत्रियों की लेती है। नाना तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो वो एक विशिष्ट, उनको एक स्टेटस मिला है, तो जरूर उनके सिक्योरिटी के मामले में जानकारी ली जाती है, उसमें कोई हंगामा खड़ा करने वाली बात नहीं है। लेकिन सर, बयान तो जो है इस तरीके का सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, आपने भी देखा होगा कि पैरों के तले जमीन खिसकने की बात। भाई, पार्टी बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, हमारे लिए अच्छा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बढ़ती है, राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की नहीं, तो हमारे लिए भी एक आदर्श होगा। देखो, कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बड़े बड़े राज्यों में भी नाना पाटोले ने जाकर पार्टी को बढ़ाने की, उनके पास जो एक संजीवनी गुटी है जिंदा करने की पार्टी, वहाँ भी देनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रियंका जी ने उनका इस्तेमाल करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। 2024 में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी बनेगी, बीजेपी घबरा रही है, इस तरीके का बयान क्या किए? और उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी है उसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर नाना पाटोले जी को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो मैं उनको अभी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबसे बड़ी पार्टी उभर कर महाराष्ट्र में और देश में आइए और देश का अगला प्रधानमंत्री बनाइए। सबके बीच में अब एक सवाल खड़ा हो रहा है, जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कानून को लेकर के या बिल जो अभी आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर अभी जो यूपी की नीति आई है, जनसंख्या नियंत्रण नीति, उसको लेकर के अब जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किसी कानून से फायदा नहीं होगा, लोगों को समझाना होगा, जागरूक करना होगा, उसका फायदा होगा। अगर नीतीश जी कहते हैं कि लोगों को समझाना होगा, तो समझाइए, तो समझाइए। तो योगी जी एक कानून बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उस कानून अगर वो लाना चाहते हैं तो वहाँ लागू करेंगे, हम भी देखेंगे यूपी में क्या होता है, फिर उस बारे में देश सोचेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सोचेंगे। लेकिन सर, सबके बीच में क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार का क्या मत है, आपकी पार्टी का क्या मत है जनसंख्या नियंत्रण? हमारा कोई मत नहीं, महाराष्ट्र में लोकसंख्या पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो फिलहाल संजय राव जी का कहना है कि इस पर जो हमारा कोई मत नहीं है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कंट्रोल है, यूपी सरकार को लाने दीजिए, उसके बाद में जो है प्रतिक्रिया देखेंगे कि क्या कुछ है, उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद समझाना चाहिए लोगों को। तो फिलहाल बात की जाए शिवसेना की, तो शिवसेना तो यही कह रही है कि इस मुद्दे पर अभी वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, पहले देखेंगे उसके बाद में ही टिप्पणी करेंगे और उसको अपनाने या ना अपनाने को लेकर के फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।